देर से बाहर आया और इन पांच महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी देश पूरे देश में छुपा नहीं है। और न्याय पाने में जो वक्त लगता है, वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में
देखने दो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है ना। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है, आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जवान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों को आज के हमारे इस जेल यात्रा की समाप्ति में उपस्थिति के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। की रणनीति क्या होगी भैया? रणनीति बता दी जाएगी तो फिर काम में वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।